लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। फतेहपुर में बारिश का पानी भरा, 500 दुकानें बंद, लाखों का नुकसान। फतेहपुर रोडवेज बस स्टैंड पर भरा पानी। भास्कर न्यूज। फतेहपुर रोडवेज बस स्टैंड के पास बरसाती पानी जमा होने से रोडवेज बस स्टैंड, छत्रिया, पशु चिकित्सालय, आशाराम मंदिर, शेख ट्रैवल्स की गली, पोदार बालिका स्कूल के आसपास की 300 से अधिक दुकानें बंद रही। पुराना सिनेमा हॉल, गहनिया मंदिर, सरदारपुरा आचार्यों का मोहल्ला, मस्जिद वजीर हाजी एरिया आदि इलाकों में 200 से अधिक दुकानों सहित शुक्रवार को कस्बे में करीब 500 दुकानें बंद रही। इससे लाखों का व्यापार प्रभावित हुआ। तेज बरसात से कस्बे की दुकानों में दोपहर तक ग्राहकों की उपस्थिति नाम मात्र की थी और कारोबार बेहद कम रहा। रोडवेज बस स्टैंड पर इतना पानी जमा है कि उसके अगले दो दिन तक निकलने की कोई संभावना नहीं है। इससे दो दिनों तक आसपास के इलाके की दुकानें बंद रहेंगी तथा रोडवेज बस स्टैंड भी अस्थायी रूप से संचालित होगा। इस इलाके के कमलेश पोददार, राम निवास सैनी, तौफीक खान, प्रवीण, मुराद मास्टर, पवन शर्मा, श्रीचंद आदि दुकानदारों ने बताया कि अब दो दिन तक या जब तक पानी निकल नहीं जाता तब तक दुकान बंद रखनी पड़ेगी। दुकानदारों ने बताया कि यदि इसी बीच और बरसात आ गई तो फिर एक सप्ताह तक दुकानें बंद रखनी पड़ेगी। फतेहपुर में 12 घंटे में 85 mm बरसात। कस्बे में गुरुवार रात्रि और शुक्रवार सुबह हुई बरसात से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। कस्बे में आने वाले हर रास्ते पर भारी मात्रा में पानी जमा होने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। गहनिया मंदिर इलाके में लोगों ने बोटिंग का आनंद लिया। रोडवेज बस स्टैंड पूरी तरह से झील में बदल गया। मंडावा पुलिया, नवलगढ़ पुलिया में सड़क पर करीब 4 फीट पानी जमा हो जाने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। गुरुवार रात्रि में 25 mm और शुक्रवार सुबह 60 mm बारिश होने से मात्र 12 घंटे में 85 mm बरसात दर्ज की गई। बरसात से कस्बे में अनेक घरों, दुकानों में पानी घुस गया। तहसीलदार सुशील सैनी ने अधिक पानी वाले इलाकों का दौरा किया तथा नगर पालिका को पानी निकालने के निर्देश दिए। बरसात से बागरोदा, वकारंगा सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भी आम रास्ते में पानी जमा हो गया। अच्छी बरसात से अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग बराबर हो गया। रामगढ़ शेखावाटी कस्बे में गुरुवार रात और शुक्रवार को दिन भर बरसात का दौर जारी रहा। तहसील कार्यालय के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 36 mm तथा शुक्रवार शाम 5 बजे तक 80 mm बरसात हुई। बरसात के कारण मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, नया बस स्टैंड, ऊपरल्लाबास, नेहरू मोहल्ला सहित विभिन्न निचले क्षेत्रों में बरसाती पानी इकट्ठा हो गया। इसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मणगढ़ में ट्रक पलटा, स्कूल बसों सहित वाहन फंसे। लक्ष्मणगढ़ शुक्रवार तड़के से ही उपखंड में जमकर बरसात हुई। 2 घंटे झमाझम बारिश में 72 mm पानी गिरा। उपखंड मुख्यालय के अलावा गांव ढाणियों में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। कस्बे के सभी मुख्य रास्तों में अत्यधिक पानी एकत्रित होने से 2 घंटे से भी अधिक समय तक जिले एवं अन्य कस्बों से संपर्क पूरी तरह कटा रहा। नरोदड़ा, खूड़ी, रसीदपुरा एवं ढोलास रोड पर नवलगढ़ अंडरपास में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया। बरसाती पानी में फंसकर रघुनाथ अस्पताल के पास बजरी से भरा हुआ ट्रक पलट गया, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया। सीकर रोड पर गंगा कॉलोनी के पास स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई। सीवरेज कार्य में खोदे गए गड्ढों को सही प्रकार से नहीं भरने से उनमें रिसाव हो गया तथा उनकी मिट्टी बहने से वे और भी ज्यादा गहरे हो गए। इन गड्ढों की वजह से उपखंड मुख्यालय के अलग अलग इलाकों में दर्जनों वाहन इनमें फंस गए। कई स्थानों पर इन गड्ढों की वजह से बड़े हादसे होते होते बचे। गली मोहल्लों में घरों के सामने भी जगह जगह सीवरेज के चेम्बर एवं गड्ढों में पानी भरने से उनकी मिट्टी बह गई। अधिकांश रास्ते जलभराव की वजह से अवरुद्ध हो गए। इसके चलते ज्यादातर स्कूली बसों को पहुंचने में 1 से 2 घंटे तक अधिक समय लगा। मानासी ग्राम में मुख्य चौक एवं गलियों तथा घरों में पानी भर गया। फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर सौदाबाड़ा इलाके में घर में घुसा पानी। लक्ष्मणगढ़, सीवरेज कार्य के बाद छोड़े गए गड्ढे में पानी भर गया। इसके कारण कीचड़ जी फंस गई। लक्ष्मणगढ़, सीकर रोड पर बरसाती पानी में फंसी स्कूली बच्चों से भरी हुई बस। फतेहपुर गौड़ ब्राह्मण भवन के पास मकान में भरा पानी।